say a huge hello to all our fans watching on YouTube in India, because our next team is Team Soul, and they are led by a massive YouTuber, Mortal, and he's accompanied by Oase, Ronak, and Viper. You can hear the fans, they've got their own cheering corner over there. Just look at this shot. Trust me, just look at this shot. मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूं, सीधा गन स्विच, उनको पता है प्लेयर कहां से निकलेगा, स्पॉट किया, बैम हेड शॉट। टीम सोल 15th पोजीशन पर गई थी, एक मैच में चिकन डिनर, अगले मैच में 15th पोजीशन। ओके सो हाय गाइस, दिस इज गेमिंग प्रोफेशन, एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करने वाले, बेसिकली मेरे को डीएमएस में पता नहीं क्यों क्वेश्चन आ रहा था कि आपके अकॉर्डिंग ब्लेजी का आना सोल में क्या इंपैक्ट डालेगा क्या नहीं। देखो मैंने इसके ऊपर एक हल्की से छोटा सा ब्लेजी का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर बनाया था, वो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा अगर आप लोगों को देखना हो। बट आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि अभी तक जो सोल ब्लेजी के साथ सोल का एक रशियन ड्राइव वो कैसा रहा है, उन चीज़ों पर बात करेंगे एंड जानेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यू नो चेंज हुई हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं और फ्यूचर ऑफ सोल क्या बनता है। सो वीडियो पूरी एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो ऑब्वियसली आप यू नो काफ़ी नज़रअंदाज कर सकते हो, अदरवाइज बिकॉज यहाँ पर आप देखो सोल वाइपर, दिस वॉज बेसिकली वॉर मेनिया का पबजी वर्ल्ड इंडिया कप जो हो रहा है अभी आजकल चल रहा है, एंड आई मीन ह्यूज शॉट आउट टू वॉर मेनिया, बहुत मेहनती लोग हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से सब चीज़ कर रहे हैं एंड मैचेज नॉल निकल कर आ रहे हैं। जब मैं नहीं देख पाता होता बिकॉज जब यू नो PMWL हो रहा होता है तो तब मैं नहीं देख पाता, बट अदरवाइज आई ट्राई कि मैं मैचेज नॉल देख पाऊँ, एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मैचेस के अंदर वाइपर के पास 7 किल्स आए थे, पूरी सोल के पास 16 किल्स आए थे और वो 7th पोजीशन पर मर गए थे। तो इमेजिन कीजिए अगर वो ऊपर जाते रहे तो ऑब्वियसली कितने सारे किल्स निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ जरूर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोग पूरी एंड तक देखोगे, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज 400K का हमारा गोल है, आई होप कि आप लोग करवा दोगे। लेट्स एक्चुअली गेट इनटू द वीडियो। अब जिस हिसाब से हमारा यू नो मैप एंड ऑल चल रहा था, फाइट्स हर जगह हो रही थी, सब चीज़ें बन रही थी, बट इफ़ यू जस्ट लुकिंग इनटू इट, अभी 12 टीमें जिंदा हैं, हमारे पास 11 टीमें जिंदा हैं एंड हर तरफ फाइट्स एंड ऑल चल रही है। बट अगर यहाँ पर मैप दिखाया, अब आप देखो यहाँ पर सोल के 2 प्लेयर्स डाउन है, ठीक है। सो मेजर प्रायोरिटी आपकी क्या आती है यहाँ पर इस सब चीज़ों में, मैं आपको बताता हूँ। वंस आई जस्ट हैव टू यू नो टेक दिस थिंग आउट, आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज फॉरगेट टू टेक दिस थिंग आउट। आप ये एरिया देखिए जो मैप का एरिया, और यहाँ पर देखिए, अब देखो रिगल्टॉस यहाँ पर फिनिश ऑफ हो चुके हैं, और राइट वी गेट दैट रिगल्टॉस वॉज फिनिश्ड, सांगवान इज गोइंग डाउन, बट देन ये है और हमारे पास टाइम है, 1 मिनट है आराम से, तो ब्लेजी रिवाइव कर सकते हैं, कवर अच्छा खासा बन रखा है, बिकॉज ऑफ दिस कवर ऑब्वियसली अभी कोई दिक्कत ऐसा नहीं होगी। बट इसके बाद दिक्कत क्या होगी सर्कल में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टीम नंबर 20 है, और आप देखो इनका एंगल देखो, अगर आप टीम नंबर 20 को देख पा रहे हो, टीम नंबर 20 किस डायरेक्शन में देख रही है, देखो सीधा यहाँ सोल के डायरेक्शन में, टीम नंबर 5 कहाँ देख रही है, सीधा सोल के डायरेक्शन में। सो सोल को 2 अलग अलग जगह से दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं, अदरवाइज ऑब्वियसली सोल हमें पता है अभी बहुत अच्छे रन में चल रही है, ऑलरेडी ये टीम 14 किल्स निकाल चुकी है, सो इट काइंड ऑफ शोज कि हाँ टीम फाइट्स एंड ऑल कोई डर नहीं रही है, उनको किल्स मिल भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर सारे किल्स बन रहे हैं। अब वन सेकेंड, इफ वी जस्ट यू नो लुक इन टू दिस फेस जो कि यहाँ पर आया था, हाँ टीम नंबर 20 की हम बात कर रहे थे, फाइनल बॉस आप देखो, फाइनल बॉस का लोकेशन पूरा इस डायरेक्शन में बन सकता था, बट अब फाइनल बॉस उस डायरेक्शन में देख रहे हैं। सो UME के प्लेयर फाइनल बॉस को देखने के लिए ये सारा एरिया यहाँ पर है, मतलब अगर सोल के प्लेयर्स ओपन में जाते हैं, ये जो ओपन एरिया है, ये ओपन एरिया इनके लिए फाइनल बॉस बैक स्टैप कर सकते हैं, UME के बाकी प्लेयर्स को भी बता सकते हैं, ऑब्वियसली बताएंगे तो वो भी फाइट लेने आएंगे। सोल के वाइपर ही इज यू नो जस्ट ट्राइंग टू पुट आउट ऑल द स्मोक्स एंड एवरीथिंग विच ही हैज, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है, टाइमर है, तो रिवाइवल्स एंड ऑल देने की यहाँ पर प्रोसेस रहेगी जो सांगवान को चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई, हर तरफ फाइट चल रही है, सब कुछ हो रहा है, वाइपर ने उससे बहुत अच्छे किल्स अपने लिए निकालते, अपनी टीम के लिए निकालते, सारी चीज़ें यहाँ पर बनी थी। हाइप के प्लेयर्स देर ऑल्सो टेकिंग गुड फाइट्स, अमेजिंग थिंग्स दैट आर हैपनिंग, उससे बहुत अच्छी फाइट्स यहाँ पर ओवरऑल बनी, एंड दिस टूर्नामेंट ओवरऑल इज गोइंग प्रिटी गुड, प्रिटी गुड। अब यहाँ पर आप देखो सोल सांगवान हॉक जतिन को गाड़ी सीधा, लाइक दिस वॉज समथिंग दैट जस्ट हैपन्ड, एंड मैं इससे हंसा भी था बिकॉज आई डोंट नो, बट हुआ खैर, बिकॉज यू वर सपोज टू शूट राइट, आई जस्ट सॉ दैट, बट द डूड ने वहाँ पर सांगवान को पिक ऑफ कर लिया। सो इस टाइम बात क्या आती है, वही सारी चीज़ जो कि हम देख रहे हैं, सांगवान फिनिश ऑफ हो चुके हैं, वही टीम नंबर 20 सोल को लेकर जा सकती है, और वही उस टनल विजन में सोल अब उससे फंस गई, सोल ब्लेजी भी यहाँ पर जाते हैं, एंड सोल ब्लेजी के जाने के बाद ऑब्वियसली वहाँ पर वाइपर भी हमारे पिक ऑफ हो गए थे, तो उसके कारण सोल का एग्जिट पॉइंट यहाँ पर देखने मिला।
But before this exit and all happened, Seoul actually took out some amazing fights in all the scenarios and everything. Because Seoul ke players they were not, you know, just getting away from the fights. ये एरिया पर हमारा सर्कल पहले बन रहा था, यहाँ पर आपको सोल नहीं दिखेगी, बट ये एरिया पर हमारा पूरा सर्कल बन रहा था. सो इट वॉज लाइक कि अगर टीम्स को सर्कल में आना है, इतना एरिया खाली है हमारे पास, इतना एरिया. ये हमें दिख रहा है, टीम्स को नहीं दिखता, बिकॉज टीम्स को तो ऑब्वियसली ये देखना है, कोई ना कोई बैठा होगा, कहीं भी बैठा हो सकता है, कोई पेड़ हुआ तो पेड़ का कवर बना के एक बंदा बैठा हो, कुछ भी होगा, बट इतना एरिया हमारे पास खाली है खेलने के लिए. प्लस वन थिंग, सेंट्रल एरिया सर्कल में आता है कहीं ना कहीं, सो इतना एरिया हमारे पास है देखने के लिए. अगर ये एरिया हमारे पास सेफ रहने के लिए, तो ये वाला एरिया हमारे पास फाइट लेने के लिए रहेगा, ठीक है, बिकॉज सारी टीम्स एट द एंड बाद में अपना सेंट्रल होल्ड करना शुरू करती हैं. सो सोल को भी यही सब चीज़ें देख करके आगे को घुसना था, आगे को जाना था. सो इफ आई हैव टू से वन थिंग, सोल के प्लेयर्स अभी वाले जो हमें सोल के लाइनअप दिख रही है, इट जस्ट शोज वन थिंग कि हाँ, फाइट्स अच्छी निकालना जानते हैं लोग. अब देख पा रहे हो सोल के प्लेयर्स ऊपर के एरिया पर थे, राइट हैंड साइड पर, सो देवर रेडी फॉर ऑल द फाइट्स. उनके पास हायर एरिया एडवांटेजेस हैं. वंस यू हैव दोज हायर एरिया एडवांटेजेस, आप हायर एरिया से लोअर एरियाज पे फाइट ले सकते हैं. अंडर एंगल में ये यू नो इंपॉर्टेंट रहता है. यहाँ पर मैक्स के प्लेयर्स को, मैक्सिमम के प्लेयर्स को दिक्कत होती है. एम जी जेड के प्लेयर्स देवर ट्राइंग टू टेक ऑल द फाइट्स इन देयर हैंड्स इफ दे कुड जस्ट गो फॉर इट. सो ये सब चीज़ें, बट मेजर चीज़ क्या होती है, वही चीज़ कि सर्कल के अंदर कैसे और क्या करके आपको आना है. टीम एक्स के आदित्य यहाँ पर नॉक्स निकाल, सो ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग, ऑल दोज फाइट्स आर हैपनिंग. बट इन सब के अंदर जो एक सबसे अच्छी चीज़ रहती है वो ये है, इफ आई जस्ट गो फॉर विकिपीडिया एंड सोल वन सेकेंड. ये मैंने पिछली वीडियो में बोला था, मैं इस वीडियो में भी बोलूँगा. हमारे पास टीम सोल के अंदर जो प्लेयर्स हैं, मॉर्टल ऑब्वियसली ये वाला मैच मॉर्टल नहीं खेले थे, राइट. इन दिस मैच देर वॉज नो मॉर्टल, देर वॉज नो ट्रेस ऑफ बिकॉज वो नहीं खेले थे, बट बाकी जो चार प्लेयर्स हैं, सो ये दिखाता है कि सोल राइट नाउ नोज देयर गेम प्ले इन द बेस्ट वे ऑफ वट इज हैपनिंग, एंड दे नो कि अपने लिए किल्स कैसे निकालने, किल्स बटोरना, बेसिकली किल्स बटोरना, सर्कल में जाना, हर एक चीज. मैक्स के प्लेयर्स यहाँ पर है, सोल के प्लेयर्स पीछे हैं. उनको अब ना लुक एट दिस थिंग, वन वन की फाइट आप क्या करोगे, अपने प्लेयर्स को आगे लेकर जाना. एंड दो प्लेयर्स यहाँ पर नॉकड आउट पड़े, सो सोल इज रेडी फॉर दैट फाइट, एंड दिस इज हाउ सोल वाइपर बेसिकली कम्स अप एंड टेक्स द फाइट इन हिज हैंड्स. बिकॉज सोल सांगवान, यहीं से वीडियो के स्टार्ट की शुरुआत हुई थी. रेगल्टॉस नहीं बच सकते इस मोमेंट पर, उनको पता हो अगर रिवाइव करेंगे भी तो और मुश्किल हो, पांचवा जोन है. सो ब्लेजी जाते आगे सांगवान को बचाने के लिए, वही चीज़ यहीं से सब कुछ शुरुआत हुई थी, यहीं से सारी की सारी फाइट्स आगे गई. बट इन ऑल दिस फाइट्स ऑल दैट कम्स अप हियर इज मॉर्टल, वाइपर, रेगल्टॉस, सांगवान और ब्लेजी. ब्लेजी और रेगल्टॉस की जोड़ी एग्रेशन पर जाती है, सांगवान उस एग्रेशन को सपोर्ट करते हैं और वाइपर उस एग्रेशन को बढ़ाते हैं. राइट नाउ दिस इज वन थिंग दैट्स हैपनिंग, एंड दैट इज वन थिंग जो कि हमने इस वाले एरेंगल मैच में देखा. बिकॉज जब आप मैच की एंडिंग देखोगे, इफ जस्ट यू नो लुकिंग एट द एंड मोमेंट्स ऑफ द मैच और किल्स एंड ऑल जब हम सारे निकालेंगे, जस्ट लुक एट द नंबर, पोजिशन कौन सी इनकी और किल्स कितने हैं. ये बहुत बहुत गट्स चाहिए ये चीज़ करने में, इतनी पोजीशन. इमेजिन करो अगर ये जीतते तो 20 प्लस ईजी निकलता. यहाँ पर ही ऑलरेडी इनके पास अच्छे खासे किल्स है, 20 प्लस तो आराम से निकलता. 16 किल्स यहाँ पर है, और प्लस को अगर लेकर जाएंगे और ऑब्वियसली किल्स अपने निकाल लेंगे. सो इमेजिन विद दिस एग्रेशन. यहाँ पर ऑब्वियसली वाइपर ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, मैं ये बोलूँगा वाइपर ने अपना एक्सपीरियंस दर्शाया, वाइपर का एक्सपीरियंस सामने आया. बट इमेजिन विद दिस एग्रेशन, इफ यू आर गोइंग गुड विद दिस एग्रेशन, हाउ फार अ टीम कैन गो, द आंसर इज प्रीटी फार. एंड द रिजल्ट्स विल बी शोन इन द नेक्स्ट PMCO, जब सोल यहाँ पर खेलेगी PMCO फॉल स्प्लिट के अंदर, PMCO सीजन 2 जो हमारा, सीजन 1 जो हमारा होने वाला होगा बाद में, उसके लिए. बिकॉज मॉर्टल और वाइपर एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, रेगल्टॉस एक एग्रेशन लेकर आते हैं, ब्लेजी एक एग्रेशन लेकर आते हैं, सांगवान उस एग्रेशन को पिकअप करना जानते हैं. सो विद ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, राइट नाउ आई वुड से इफ एनीथिंग सोल का खराब फेस जो था, सोल का खराब फेस खत्म हो गया. नाउ देयर इज वन थिंग, वो होता नहीं है कि हर एक सनसेट एक मूनराइज को स्टार्ट देता है, वही चीज़ है. सोल ने अगर अपना सनसेट देखना, सनसेट देख लिया, बट अब एक बहुत अच्छा मूनराइज है. इफ देयर इज अ मूनराइज देयर आर ऑलवेज गुड टाइड्स, एंड वो गुड टाइड्स हमेशा एक किसी भी चीज़ को आगे लेकर जाती हैं. सो यहाँ पर सोल को बहुत आगे अब हम जाते हुए देख सकते हैं जिस तरीके से. बस एक चीज़ है, एक चीज़ की कमी मैं मानूंगा कि सिनर्जी बिठानी है. नो डाउट किल्स अच्छे आए हैं, सब अच्छे हैं, बट हर मैच वो प्रॉपर एग्रेशन क्यों नहीं होता, कभी कभी सिनर्जी का यू नो अप्स एंड डाउन रहते हैं. सिनर्जी का प्रॉपरली बैठी हुई, they'll go with the flow of the game, and they will show the game in the most impressive ways. And Seoul हमें पता है यार, कभी भी disappoint नहीं किया उन्होंने. हाँ, there were some ups and downs जो कि अभी PMPL के अंदर qualification नहीं हो पाए, but that's the end for Team Seoul. From now on you're gonna see an amazing Team Seoul, और वो amazing Team Seoul पूरी दिखेगी यहाँ पर game plays में, amazing moments में और हर एक चीज़ में. So Seoul, I would say Seoul is back.
yep. The emotion that we have with this team that is back, and obviously ab jab aage wapas se aayenge wo wapas se emotion dekhne ko milega. So let's just see wo kitne jaldi milta hai. Comment section mein ko batana aapke according is soul ke bare mein aapke kya vichar hai, kya aapki raaye rahegi, and subscribe zarur karna is channel ko. Once again 400 ka hamara goal hai, I hope ki aap log karwa doge. So thank you for watching, I'll see you in the next videos. Have a really amazing day, stay safe, stay indoors, peace out.